नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। देवरिया हत्याकांड के आरोपितों की गैरकानूनी निर्माण पर बुलडोजर की कार्यवाही पर आंखें टिकी हुई हैं सबकी। कार्यवाही को लेकर जहां प्रेमचंद यादव सहित कई लोग दहशत में हैं, तो वहीं प्रशासन भी बुलडोजर की कार्यवाही करने से पहले व्यक्तता से प्रक्रिया को पूरी कर रही है। जमीन विवाद के चलते 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। फतेहपुर के लेड़ा टोले में सामूहिक हत्या के 4 आरोपियों के गैरकानूनी निर्माण ढाए जाने से आज सोमवार को रुद्रपुर तहसीलदार स्थल का निरीक्षण करेंगे। वह दोबारा नपाई कराने के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश जारी करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि बुलडोजर चलाने से पहले कहीं कोई शंका न रहे, इसलिए पूरी व्यक्तता प्रक्रिया पूरी की जा रही है। रुद्रपुर के फतेहपुर गांव का अभयपुर टोला और लहड़ा टोला पिछले 6 दिन से सामूहिक हत्या के बाद चर्चा का विषय बन चुका है। गांव में सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और पीएससी 24 घंटे तैनात की गई है। घटना स्थल पर हर एक दिन राजनीतिक दलों के लोगों का आना जाना लगा हुआ है। सबकी नजरें इसी घटना स्थल पर लगी हुई हैं। जिला प्रशासन इस सूक्ष्म मामले में ध्यान से आगे बढ़ रहा है। घटना के बाद राजस्व कर्मियों की नपाई में भी गैरकानूनी कब्जा सामने आया, जिसके बाद 4 आरोपितों के अवैध कब्जे को ढाने के लिए रुद्रपुर तहसीलदार कोर्ट में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोर्ट 2006 की धारा 67 के तहत 6 वाद दर्ज किए गए हैं, जिसमें दबंग प्रेमचंद के पिता रामभवन के विरुद्ध 3, बड़े भाई रामजी यादव के विरुद्ध 1, चाचा परमहंस यादव और गोरख यादव के विरुद्ध 1-1 वाद शामिल है।